दोस्तों आज जो कॉमिक्स हम पढ़ेंगे उसका नाम है जय बोलो अंगारा की। ये अंगारा की कॉमिक्स है तो पढ़ते हैं इसको। जय बोलो अंगारा की। अंगारा के सबसे बड़े दो दुश्मन चिल्ली और चाली को अंगारा ने काफी अरसे से कैद कर रखा है। चिल्ली बेटे बोल चाली पुत्र वे चमगादड़ की औलाद, तू मुझे पुत्र कह रहा है बोने की संतान और तू मुझे बेटा कह रहा है। तूने मुझे बोना कहा, तूने मुझे चमगादड़ कहा, मैं तेरी खाल उतार दूंगा और मैं तेरी खाल में भूसा भर दूंगा। लेकिन दोनों सिर्फ बातें ही करते रह गए, हाथापाई तो हो ही नहीं पाई, क्योंकि चार्ली सूरज की रोशनी के बिना शक्तिहीन हो जाता है और चिल्ली पानी में अपनी शक्ति खो देता है। एक बार अगर मुझे सूरज की रोशनी मिल जाए तो फाड़ कर रख दूंगा तुझे, एक बार मुझे इस पानी के तालाब से बाहर निकलने दे, हवा का बेटा हूं, उड़ा के रख दूंगा। अब इस कैद खाने से बाहर निकलने के लिए कुछ तो दिमाग लड़ा दिमाग होगा तेरे पास, मैं तो गुड़ गोबर हूं, एक आइडिया है क्या? मैंने सुना कि भोलेनाथ शिव शंकर भगवान बड़ी जल्दी प्रसन्न होकर वरदान देते हैं, क्यों न हम उनकी तपस्या करें? मैं तपस्या तो सिर्फ ड्रैगन की कर सकता हूँ, वही सबका ईश्वर है। ड्रैगन भी तो भोलेनाथ शिव शंकर का भक्त था, मुन्ने बड़े बड़े राक्षसों को शिव ही तो वरदान देते हैं। अबे मगर हम वरदान क्या मांगेंगे, ऐसा वरदान कि अंगारा कभी भी हमें कैद न कर सके। ये भी मांग लेते हैं कि पानी और अंधेरा हमारा कुछ न बिगाड़ सके। हाँ यह भी ठीक है, डन, चलो तो तपस्या शुरू। हाँ हाँ, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। यह जाप कौन कर रहा है सुजुकी, कहां से आ रही है यह आवाज? ग्रेट सर, यह आवाज तो अंडरग्राउंड कैद खाने से आ रही है। क्या मतलब, क्या चार्ली चिल्ली जाप कर रहे हैं? वो ही है बेचारे लगे हैं भोलेनाथ शिव शंकर भगवान की तपस्या करने। सुजुकी, भोलेनाथ का भक्त तो मैं भी हूँ, लेकिन वह बड़ी जल्दी खुश हो जाते हैं और वरदान दे देते हैं, और ये दोनों तो हजारों वर्षों तक तपस्या कर सकते हैं। अगर कहीं भोलेनाथ ने इन्हें वरदान दे दिया तो दोनों भस्मासुर बन जाएंगे, तो क्या करें सर? इनकी तपस्या हर सूरत में भंग करनी होगी, मगर कैसे? मैं खुद जाऊंगा कैद खाने में। रात के समय अंगारा गुप्त मार्ग से अंदर पहुंचा। कैदियो, अगर तुम आजाद होना चाहते हो तो आजादी का समय आ गया है। ओम नमः शिवाय, मैं अंगारा तुम्हें आजाद करने आया हूँ। इनकी तपस्या तो भंग हो ही नहीं रही है, इनकी ठुकाई करता हूँ। ओम नमः शिवाय, ठाक ठाक, ओम नमः शिवाय। हैं, ये तो तपस्या में लीन हो गए हैं, अब क्या किया जाए? ओम नमः शिवाय। अंगारा ने बाहर आकर आपातकालीन मीटिंग बुलाई। मैं अपने मंत्रिमंडल से इस गंभीर समस्या पर सलाह चाहता हूँ, सब अपने विचार दें कि आखिर हम उनकी तपस्या कैसे भंग करें। क्यों न हम उन्हें आजाद कर दें, तपस्या अपने आप भंग। नहीं, उन्हें आजाद करना ठीक नहीं है, वे हमारे दुश्मन है, और अगर उन्हें आजाद किया गया तो वे समझेंगे कि हम उनसे डर गए। क्यों न उन्हें मार ही दिए डाला जाए, बम से उनके टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएं। नहीं, अगर उन्हें इस तरह मार डाला गया तो न्याय पीरंगारा सारी दुनिया में बदनाम हो जाएगा। मंत्रिमंडल के बाकी सदस्य जाने के बाद अकेले में, आप इस मामले में इतने गंभीर क्यों हैं? कलयुग में भोलेनाथ ने किसी को वरदान दिया ही कब है? सुजुकी, चाहे वरदान दिया हो या न हो, लेकिन उनके मन में भगवान का अस्तित्व जागा है। अब तक ये दोनों शैतान के उपासक थे, और जिसके मन में भगवान की लोह जागती है उनके विचार बदलने लगते हैं। वह नेकी और बदी का अर्थ समझने लगता है और नेकी की राह पर चलने लगता है। तो फिर प्रॉब्लम क्या है ग्रेट सर? प्रॉब्लम यह है कि यदि भोलेनाथ ने उन्हें वरदान न दिया तो वे भगवान के पहले से अधिक कट्टर दुश्मन हो जाएंगे, फिर उन्हें कभी नेकी की राह पर नहीं लाया जा सकता। ओम नमः शिवाय का यह मूल मंत्र उन्हें नेकी की राह पर ला सकता है, या फिर वे दोनों भस्मासुर भी बन सकते हैं। हम मुझे उनकी तपस्या भी भंग करनी होगी और उन्हें नेकी के रास्ते पर भी लाना होगा, इसलिए मैं खुद भोलेनाथ का रूप धरकर उन्हें दर्शन दूंगा। शंकर भगवान के शरीर का रंग नीला है।
नागराज, थोड़ी देर मेरी गर्दन को लपेट कर बैठो। और लोग साथ साथ भोलेनाथ शिव शंकर प्रकट हुए। अंगारा ने कैद खाने का पानी खाली कर दिया, ऊपर खिड़कियां खोलकर सूर्य प्रकाश अंदर आने दिया और ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आंखें खोलो बालको, हम तुम बहुत प्रसन्न हुए। तुम्हारी तपस्या ने मैं कैलाश पर्वत छोड़ने पर विवश कर दिया। चार्ली और चिल्ली ने आंखें खोली। ये है सचमुच शंकर भगवान और सूर्य प्रकाश अंदर तक और तहखाने में पानी भी नहीं। अब बन गया अपना काम। हे भोलेनाथ, हमें अपनी शरण में ले लो, हम आपके भक्त हैं, हमें हमें वरदान दो। भोलेनाथ, उठो मेरे भक्तों, बोलो क्या वरदान मांगते हो, क्या मांगे? एक तू मांग, एक मैं मांगता हूँ। हे भोलेनाथ, मुझे वरदान दो कि मैं सूरज की रोशनी के बिना भी उतना ही शक्तिवान बन जाऊं जितना सूरज की रोशनी में रहता हूँ, और मैं पानी में बेकार हो जाता हूँ, पानी में भी मैं उतना ही ताकतवर बना रहूं जितना कि तथास्तु। क्या क्या मैं अभी से अंधेरे में ताकतवर हो गया हूँ, और क्या मैं पानी में विक्रामती बन गया हूँ? हाँ भक्तों, तुम बन गए। क्यों ना पहले अपनी ताकत का प्रयोग इस भोलेनाथ पर ही करूं? यह भोलेनाथ बात बात पर वरदान देता है, आज के बाद यह किसी को वरदान देने लायक नहीं रहेगा। मैं ठहरा शैतान का पुतला। दोनों के एक एक हल्के से गुस्से से ही भोलेनाथ बने। अंगारा ने गिरकर बेहोश होने का अभिनय किया। वाह क्या ताकत पाई हमने, भोलेनाथ को चित कर दिया, भस्मासुर बन गए हैं अब हम। कहीं ऐसा न हो कि अंगारा कैद खाने में पहुंचकर भोलेनाथ को छुड़ा ले। अरे हाँ, ऐसा हो गया तो अंगारा भी कोई वरदान मांग लेगा। इस भोलेनाथ नाथ का किस्सा ही निपटा देते हैं। न रहेगा बस, न बजेगी बांसुरी। करेक्ट, आज के बाद हम भगवान होंगे, लोग हमारी तपस्या करके हमें खुश करेंगे, लेकिन पहले जरा देख तो लो यह जिंदा है भी या नहीं। अरे यह तो मरा पड़ा है, इसका मतलब हम पहले से अधिक ताकतवर हो गए। चलो अब अंगारा की ऐसी तैसी करनी है। दोनों कैद खान के दरवाजे की तरफ दौड़े। चलो सीधे अंगारा की राज्यसभा में धावा बोलते हैं। उनके जाते ही ये दोनों सुधरने वाले नहीं, कुत्ते के दुम की तरह टेढ़े के टेढ़े ही रहेंगे। मैंने अपनी नब्ज क्या बंद की, दोनों धोखा खा गए, अब मैं नारद का मेकअप बनाता हूं। चार्ली चिल्ली अंगारा दीप की राज्यसभा में जा पहुंचे। हम भगवान के भी बाप हो गए हैं। जय बोलो चार्ली की, नहीं जय बोलो चिल्ली की। जब हम भोलेनाथ को ठिकाने लगा सकते हैं तो अंगारा किस खेत की मूली है? हम अंगारा से अंतिम युद्ध लड़ने आए हैं। सब बताओ सुजुकी, अंगारा कहाँ है? अंगारा देवता इस समय विदेश यात्रा पर गए हैं। जैसे ही अंगारा इस सरजमी पर कदम रखे, उसे गिरफ्तार करके सूली पर लटकाया जाएगा। आज के बाद हम ही आके राजा हैं। उसी समय नारायण नारायण है, नारायण नारायण, नारायण वारायण कुछ नहीं होता, जो कुछ है चार लिए। तू कौन है बे? मैं तीनों लोकों का मैं भ्रमण करने वाला मुनि नारद हूँ। जब मैं भगवान भोलेनाथ शिव शंकर से मिलने कैलाश पर पहुंचा तो पता चला कि वह भूलोक गए हैं। भूलोक में पहुंचा तो मेरी चक्षु भेदी दृष्टि ने देखा कि तुम दोनों ने मिलकर उनकी हत्या कर दी है। इसे कैसे पता चला? चक्षु भेदी दृष्टि क्या होती है? भगवान शिव शंकर की मृत्यु के बाद उनका उत्तराधिकारी चुना जाएगा, जो ब्रह्मांड में सर्वशक्तिमान होगा, और यह वही हो सकता है जिसने उनकी हत्या की हो। बताओ तुम दोनों में से किसने उसके उनकी हत्या की है, ताकि मैं उसे स्वर्ग लोक में ब्रह्मा के सामने प्रस्तुत कर सकूं। मैंने किया, मैंने, मैं ही सबसे शक्तिशाली हूँ। नहीं मैंने किया, यह झूठ बोल रहा है। मैंने किया, नहीं मैंने, मैंने, मैंने। हे नारद मुनि, तुम में से जो भी असली हत्यारा है, भूलोक के सभी प्राणी पक्षी नर नारी सब उसकी पूजा करेंगे और उसकी आज्ञा का पालन करेंगे। मैं असली हत्यारा हूँ। यह चिल्ली पैदाइशी झूठा है, मुझे झूठा बताता है। झूठा तू, झूठा तेरा बाप, झूठा तेरा दादा। उड़ा दूंगा तुझे तूफान से, जला दूंगा आग से, मैं तुझे जिंदा छोड़ूंगा तब न। ठहरो ठहरो, एक तरह से इसका फैसला हो सकता है। वह कैसे? कैसे
तुम दोनों युद्ध भूमि में लड़ोगे, जो जीतेगा वही असली वारिस होगा। मंजूर है, मुझे भी मंजूर है। और हार जीत का फैसला अंगारा करेगा। अंगारा? हाँ, क्योंकि जो जीतेगा वह अंगारा का भी देवता कहलाएगा। अंगारा हमें देवता नहीं मानेगा, कोई उल्टा सीधा चक्कर चला देगा वह। मेरे रहते कोई चक्कर नहीं चलाएगा। अब तुम दोनों युद्ध की तैयारी करो। दोनों खुशी खुशी अलग हो गए। अब पूरा ब्रह्मांड चार्ली की जय जयकार करेगा। मेरा मंत्र होगा ओम नमः चार्ली, और मेरा मंत्र होगा ओम नमः चिल्ली। जय बोलो चिल्ली की। रात को चिल्ली के खेमे में, और जाग चिल्ली जाग, है नारद मुनि आप? और आधी रात को, हाँ वत्स, मैं तेरी मदद के लिए आया हूँ। मेरी मदद? कैसी मदद? मैं जानता हूं कि तूने अंतिम वार करके भोलेनाथ की हत्या की थी, मगर यह चार्ली तुझे युद्ध में जीतने नहीं देगा। मैं यह भी जानता हूं कि ड्रैगन के पेट में घुसकर चार्ली ने ही तोड़फोड़ मचाई थी, जिससे ड्रैगन मर गया। क्या सच? चार्ली की तो, और मैं उस मकार का दोस्त बना रहा? मेरी सलाह मान, अंगारा से दोस्ती कर ले, वह बड़ा रहमदिल है। अपने के की माफी मांग लेना, और अंगारा तुझे विजयी घोषित कर देगा। उसके बाद तुम और अंगारा मिलकर चार्ली का खात्मा ही कर डालना। न रहेगा बस, न बजेगी बांसुरी। वेरी गुड, मगर अंगारा मुझसे दोस्ती करेगा कैसे? वह सब मुझ पर छोड़ दे। जैसे अंगारा यहाँ पहुंचेगा, सीधा तुझसे मिलने आएगा। 1 घंटे बाद, चिल्ली मैं अंगारा आया हूँ। अंगारा, आज से तेरी मेरी दोस्ती पक्की, पक्कम पक्की। तो सुन, कल चार्ली से तुम्हारे युद्ध की घोषणा होगी। फिर अगले दिन दोनों को अंगारा के दरबार में पेश किया गया। चिल्ली और चाल नारद मुनि ने मुझे तुम्हारे जंग के बारे में अवगत कराया, तो मैं तुरंत यहाँ चला आया। तुम्हारी जंग आर पार की होगी, और जंग दिन रात चलेगी। जंग तब तक जारी रहेगी जब तक तुम में से एक हार नहीं जाता। जीतने वाले को देवलोक की सैर कराई जाएगी, और वह ब्रह्मांड में पूजा जाएगा। क्या दोनों को मंजूर है? मंजूर है। तुम्हें हर प्रकार के शस्त्र भी उपलब्ध करा दिए जाएंगे, चाहे जिसे प्रयोग कर सकते हो। कल सुबह रणभेदी बजते ही युद्ध शुरू हो जाएगा, यह भी मंजूर। अगले दिन सुबह जैसे रणभेदी बज उठी, तुर सावधान चिल्ली, सावधान चार्ली, ग्रेट सर क्या मुक्त का मनोरंजन है? हा हा हा, मजा आ गया दोनों को लड़वा कर। हु। जब दोनों के तीर खत्म हुए, शहबाज चिल्ली मार चार्ली को, शहबाज चार्ली मार चिल्ली को। जय बोलो चिल्ली की, जय बोलो चार्ली की। फिर दोनों गुस्सेबाजी पर उतर आए। मैं तुझे आग से जलाकर राख कर दूंगा, और फिर फूंक मारकर उस राख को भी उड़ा दूंगा। अबे चमगादड़, न तो मैं तेरी आग में जलने वाला, न तेरे तूफान में उड़ने वाला। तो फिर मशीन गन की गोलियां ही खाकर मर जा। मशीन गन का जवाब देना मैं भी जानता हूं। इस तरह लड़ते लड़ते शाम हो गई। अब मैं रात के अंधेरे में भी लड़ सकता हूँ। आज रात मैं तेरा खात्मा कर दूंगा चिल्ली। लेकिन जैसे सूरज ढल गया, चार्ली की एनर्जी खत्म हो गई। तेरा है क्या हो गया? और चिल्ली ने चार्ली की धुनाई शुरू कर दी। अब बोल, जय बोल चिल्ली की। फैसला हो गया, चार्ली हार गया, इसे कैद खाने में डाल दिया जाए। चार्ली को अंधेरे तय खाने में डाल दिया गया है। या तो मैं भोलेनाथ का सब छोड़कर गया था, तभी अंगारा भी कैद खाने में पहुंचा। बेवकूफ चार्ली, न तो शंकर भगवान ने तुझे वरदान दिया, न वह यहाँ प्रकट हुए, वह तो मैं था। तुम? हाँ, और नारद मुनि भी मैं ही बना। ध्यान से सुन, बाहर क्या नारे गूंज रहे हैं। जय बोलो अंगारा की। जिनके जाप तूने शंकर भगवान के लिए के किए हैं, उतने मेरे कर्ता तो आज तुझे यह दिन न देखने पड़ते। अंगारा कुछ भी कर ले, मगर यह तर्क, मौत तो तेरी होनी ही है। एक दिन तू मरेगा सिर्फ मेरे हाथों। अब तू कहीं भी रह चली, तेरा पीछा करता रहेगा। इसे कहते हैं लोमड़ी का दिमाग। सुबह अंगारा ने एक बार फिर नारद का रूप धर लिया। नारायण नारायण। आइए मुनिवर, मैं आपकी प्रतीक्षा कर रहा था। अब आप मुझे फटाफट देवलोक ले चलिए, क्योंकि मैंने चार्ली को पछाड़ दिया है। पहले मैं तुझे भगवान विष्णु के पास ले चलता हूँ, जो क्षीर सागर में रहते हैं। हमें सागर जल के अंदर से यात्रा करनी होगी। मैं तैयार हूँ। नारद बना अंगारा चिल्ली को लेकर समुद्र तट पर आया। चलो छलांग लगाओ।
अब तो मुझे वरदान प्राप्त हुआ है, लेकिन पानी में कूदते चिल्ली की ताकत नष्ट हो गई। घेर लो चिल्ली को, पकड़ लो, इसे जार में बंद कर दो। है मेरी ताकत को क्या हो गया? देखते देखते मछलियों ने चिल्ली को जार में बंद कर दिया। चिल्ली ने तो अब हम तेरे पास तक किसी को आने देंगे और न तू यहाँ से जा सकेगा। लगता कोई भारी गड़बड़ हो गई है। अब तो अंगारा ही मुझे इस मुसीबत से छुटकारा दिला सकता है। वेल रानी, तुम अंगारा को खबर कर दो, अब मैं अंगारा का दोस्त हूँ। लेकिन अंगारा को बुलाने के बदले चिल्ली को अंगारा के सामने लाया गया। जय बोलो अंगारा की, जय बोलो अंगारा की। याद रखा, अंगारा से बड़ा देवता कोई नहीं, तू भी बोल जय बोलो अंगारा की, जय बोलो अंगारा की। नारद मुनि कहाँ गए? वह तो शिव सागर में जहां भगवान विष्णु के पास गए हैं। तुम वहां तक पहुंच नहीं सकते चिल्ली, तो क्या मुझे वरदान नहीं मिला? जरूर इसमें भी चाली की कोई चाल रही होगी। उसे सपना समझकर भूल जा चिल्ली। अब तू नेकी की राह पर चल, देवता फिर तुझे वरदान देने आएंगे। तो दोस्तों कॉमिक्स यहीं पे समाप्त होती है। इसका इससे आगे ही कॉमिक्स है अंगारा तिब्बत में, और उसमें एक नई स्टोरी चलेगी, तो उसको भी पढ़ूंगा मैं। तो अगर आपको कॉमिक्स अच्छी लगी तो अपने चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और मिलते हैं अंगारा तिब्बत में।